फैशन टेलर फैन शॉप लोगों को हम इस वीडियो में कुर्ती कटिंग बताएंगे। एक ही जो कपड़ा है हमारा, एक हमने इसे फोल्ड कर लिया है, जो साड़ी का बचा हुआ फाल है इसे आप लोगों को हम बता के कटिंग करके दिखाएंगे। तो पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। वैसे नॉर्मली लेंथ हम लोग चाहे यहाँ से लगाते रहे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेंथ का मार्क यहाँ से लगाएंगे। इनकी लेंथ आप लोग लिख लीजिए, लेंथ इनकी है वो है 37 यानी कि 37 इंच। देखिए जहाँ पर हम तुरपाई नहीं करेंगे थोड़े से ही छोड़ेंगे, यहाँ पर नीचे डिजाइन दिया हुआ है, यहाँ से निशान लगाएंगे 37 इंच, 7 इंच और हाफ इंच इसका हमें छोड़ देंगे यहाँ से। बस इसमें सिर्फ हाफ इंच ही यहाँ से छोड़ेंगे। इतना छोड़ने के बाद में इस मार्क को यहाँ से सीधा कर देंगे। माँ को सीधा करने के बाद में अब यहाँ से निशान लगाएंगे। लेकिन इनका मुद्दा जो है वो हमने ना पाए, वो है यहाँ पर 6.5 इंच, 6.5 इंच है। आधा इंच यहाँ पे ऊपर लेंथ रहेगा तो यहाँ से 7 इंच पे लगा लेते हैं। सिलाई लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने आधा इंच ऊपर के लिए यहाँ पे हमने पहले ही छोड़ दी थी सिलाई के लिए, पर 6 इंच पर ही मार्क लगा लेंगे। आप लोग चौथा तो आधा इंच बढ़ा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये फिटिंग का, इसलिए यहाँ पर हमने 6.5 इंच ही रखा है। लूज पहनना हो तो यहाँ पर मुद्दा 7 इंच आ जाएगा। इनका चेस्ट है, चेस्ट इनका है 32 इंच, यहाँ पर 8 चौक 32 इंच, 8 इंच मार्क आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर से कमर का मार्क आएगा, वो आएगा यहाँ पे 11.5 इंच है, यहाँ पर निशान मार्क लगा देंगे। उसके बाद एक का मार्क है वो आएगा 18 इंच पर, 18 इंच मार्क लगा देंगे। अठारह इंच मार्क लगा दिया। मार्क लगाने के बाद अब जहाँ से देखिए कमर इंची है वो है 26 इंच, यहाँ पर 6 चौक 24, 6.5 इंच का मार्क यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ से आज जो इतना हमने यहाँ पे लगाया था बिल्कुल सेम उसे मुट्ठी रहने के 8 इंच लगते हैं, तो हिप भी यहाँ पर टोटली 8 इंच ही रखेंगे। हिप का मार्क हमें नहीं पता। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर से इनका दामन जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 8.5 इंच, यहाँ पर 8.5 इंच मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद अब इस शेप फंटी को लेंगे, फिर यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, पहले फंटी को लेंगे, लेने के बाद में यहाँ पर इससे पहले लेने के बाद यहाँ से मार्क सीधा कर देंगे। ये देखिए अब इसके बाद सीधा इनका है वो है 12 इंच, तो यहाँ से 6 इंच मार्क लगा देंगे 6 इंच पर, 6 इंच नीचे भी यहाँ पे आ जाएगा। इस मार्क को भी इससे यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से मुझे की गुलाई दे देंगे, बाकी एक्स्ट्रा के लिए छोड़ देंगे यहाँ से। दूसरी कोई कटिंग करोगे तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, तो बहुत ही इजी तरीके से बताया है, बहुत ही
चलो वीडियो इसीलिए बना रहे हैं। देखिए इसके यहाँ से चाक आ जाएंगे, देखिए यहाँ से इनके गले 2.5 इंच है, ब्लॉड गले 2.5 इंच है, उसके बाद 2 इंच पे यहाँ से कुटके का मार्क लगा देंगे। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ इतना निशान लगा देंगे। देखिए लगा दिया, अब तो इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए कुछ यहाँ से उठाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ पर से इसे कट कर देंगे, देखिए अभी इस तरीके से सूट हमारा कट करके तैयार हो गया। इस टाइप से ये हमारा कपड़ा हमने फुल कर लिया है, इसको ऊपर हम फ्रेंड जैसा रखेंगे तरीके से। इसके लिए ध्यान रखिएगा इसको नीचे से ही मिलाएंगे, ध्यान से यहाँ से मिलाएंगे इस टाइप से, यहाँ से सही से मिला देंगे, छोटा बड़ा ना हो। आप लोग प्रेस जरूर लगा लीजिएगा, ये प्रेस लगाने से कपड़े फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। आप लोग वीडियो दिखा रहे हैं इसलिए प्रेस लगा सकते हैं इस टाइम पर। और इसमें कुछ मत करिए, तो वही शीतल डिफेंडर यहाँ पर से जो यहाँ से गुलाई कर दीजिए, बाकी बाइक हमारी सेम टू सेम वैसे ही कटी जाएगी। देखिए ठीक है, देखिए ये हमारी बैग कट करके तैयार हो गई। उसके बाद में यहाँ पर कुटके मार लेंगे, ये पहले कुटका यहाँ पर आएगा, दूसरा कुटका यहाँ पर आएगा, तीसरा कुटका यहाँ पर हमारा आ जाएगा, बाकी एक कुटका हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग ये कटिंग करते हैं। ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट कलर कुर्ती तैयार हो गई। देखिए इसमें पहले हमने इसको तरीके यहाँ से फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में इसके अच्छी नहीं के तरीके से कट करेंगे, इसके अच्छी यहाँ से ही कट करेंगे, नीचे यहाँ दबाव के लिए कुछ छोड़ना नहीं हमें, यहाँ पर सीन में भी कुछ नहीं होगा। तो इसके असीन की लेंथ है, लंबाई यहाँ पर है 18 इंच, तो यहाँ पर हम लोग 18 इंच है, शायद 18 इंच है, यहाँ पर 19 इंच रख लेते हैं इस तरह से, 19 इंच के बाद में यहाँ से क्रॉस का निशान लगा देंगे, ये हमारी फुल लेंथ हो जाएगी। इतना हमारे से हमारे दबाव में सिलाई में चला जाएगा, लाइक नीचे कुछ नहीं मोड़ना है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखा। उसके बाद 3.5 इंच नीचे के लिए डाउन के लिए यहाँ से 3 इंच डाउन जाएंगे, डाउन जाने के बाद में बुड्ढा हमने रखा था 6.5 इंच, तो यहाँ से 7 इंच मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए मोड़ी इनकी है, मोड़ी है 4 इंच, तो यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। 4.5 इंच इसलिए होगा कि दबाव के लिए, बाकी आ रहे 1 इंच छोड़ देंगे, तो बाकी बात
और यहाँ पर फिर इसमें तरीके से कर देंगे। करने के बाद में इसे पंडित इसमें यहाँ से जो है तरीके से लाइन लिए, पहले इसमें शेप जो है कुछ तो सीधा सीधा ही दे रहे हैं यहाँ से, इससे देंगे शेप इसमें कुछ तो सीधा सीधा शेप ही दे रहे हैं। बाद में इसमें इसके हमें यहाँ से छोड़ देंगे, ये कम्बर्टी होती है उसके लिए। उसके बाद में इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ पर कुटका लगा देंगे, यहाँ पर कहीं सिलाई लगाएंगे।